त्यौहार वाले दिन अगर मौसम अच्छा हो ना, तो उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बट थैंकफुली आज मौसम बिल्कुल साफ है। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह जल्दी उठकर चाय वगैरह तो मैं पी लेती हूँ, सरगी वगैरह या कुछ भी मिठाई या फल फ्रूट बिल्कुल नहीं खाए जाते। हाँ, मुंह मीठा करना होता है तो चाय ज़रूर ले लेती हूँ। तो अभी लगभग 5:30 बजे के आसपास मैं उठी थी और उसके बाद चाय मैंने पी ली है। 6 बजे के आसपास का अभी टाइम है, 6:15-6 बजे के बीच का टाइम है। अब मुझे सबसे पहले करनी है सफाई। ऊपर की तो मैंने कल ही कर ली थी, आज नहीं करूँगी। और बस अब यहाँ नीचे की सफाई करनी है, उसके बाद अपना नहा धो के रोज़ की पूजा और अपना खाना वगैरह जो बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बनना है वो बनेगा। और मेहंदी का कलर देखिए कुछ ऐसा आया है। एक सेकेंड, दूसरा हाथ भी दिखाती हूँ आपको। और पैरों की भी डार्क हो गई है, नेल पेंट अभी नहीं लगाया है। क्या होता है, जैसे पहले अगर पहले दिन नेल पेंट लगा लो या सुबह जल्दी लगा लो ना, तो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो सारा उतर जाता है। तो बस अब काम ख़त्म करके नहा के उसके बाद ही नेल पेंट लगाऊंगी और उसके बाद तैयार होके आप लोगों से मिलूंगी। तैयार हो गई हूँ मैं और आप मुझे कर दिए हैं कथा। थोड़ा लेट हो गई हूँ आज और मेहंदी का कलर और डार्क हो गया है थोड़ा सा। वैसे सुबह से काम में लगी हुई हूँ और थोड़ा सा जैसे मुंह पे मेकअप लगाया था, फाउंडेशन वगैरह, तो थोड़ा सा वाइट हो गया है। मंगलसूत्र अभी जुगाड़ करके मैंने डाल लिया है जैसे बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लग रहा था क्रैक सा हल्का सा। और साड़ी के साथ मैंने ये वाला ब्लाउज ले लिया है और पीछे से एम्ब्रॉयडरी है, इस तरीके से पूरा वर्क हो रखा है। क्योंकि रेड के साथ पूरा प्लेन रेड लेती ना तो अजीब सा लगता, और गोल्डन बहुत हैवी वाला है, वो थोड़ा सीक्वेंस वर्क में है। वैसे हैवी तो ये भी है, गर्मी लग रही है, अभी तक खूब भाग भाग के काम कर रही थी सुबह से, पता भी नहीं चला। और जैसे ही साड़ी डाली है बहुत गर्मी लग रही है। इसके अलावा आज क्योंकि थर्सडे है तो सर वगैरह मैंने नहीं धोया है, कल ही धो लिया था। वैसे कई जगह तो मांग भी नहीं भरते, पर कहते हैं बाहर से बड़ा त्योहार तो कई जगह क्या है मांग नहीं भरते, कई जगह सुहाग का सामान जो होता है इवन वो भी चेंज नहीं करते। जैसे बिछुए वगैरह हम लोग चेंज करते हैं, पाजेब चेंज करते हैं, तो कई जगह नहीं चेंज करते, इवन आलता भी नहीं लगाते पैरों में थर्सडे के दिन। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और हमारे तो बड़े जो हैं हमेशा से एक ही बात कहते आए हैं, वार से बड़ा त्योहार होता है। तो भाई अभी सर नहीं धोया है, इवन मैं तो साबुन भी नहीं लगाती नहाते टाइम थर्सडेज को। बट अब आज तो त्योहार है तो थोड़ा बहुत तो श्रृंगार करना था, बिछुए वगैरह भी चेंज करने थे। और बस अब मुझे फटाफट से करनी है कथा। अब ना वैसे तो शादी की चुनरी भी ओढ़ते हैं या जो भी सुहाग की चुनरी हो वो ओढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरीके का ना पीलिया चलता है, इसको पीलिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे। राजस्थान और या हरियाणा से जो लोग होंगे वो जानते होंगे इस चीज को। तो ऐसे मेरे पास कई हैं। ये थोड़ा हल्का है, जो यश जब वो पैदा हुआ था और उसके कुआं कुजन में मेरे मायके से आया था वो थोड़ा हैवी है। अभी फिलहाल के लिए मैंने यही वाला निकाल लिया है, 2-3 है मेरे पास। तो अभी यही पहनकर मतलब यही ओढ़ते हैं साड़ी के साथ, या लहंगा डालो जो भी डालो। तो कोई भी शुभ का काम होता है जैसे करवा चौथ है, कोई अष्टमी है, या किसी भी तरीके की कोई बड़ी पूजा हवन हम करा रहे हैं तो इसको अपने सर पर ओढ़कर तभी पूजा में बैठते हैं। कथा हमारी हो गई है, पूजा हो गई है। और ये देख लीजिए, ये है हमारी करवा माता, इन्हीं का पूजन होता है साथ में करवा। और ये है हमारे गन्नू महाराज, बच्चे ना गन्नू महाराज ही बोलते हैं इन्हें, छोटे से हैं ना। और चौथ है तो इनकी तो सबसे पहले पूजा होगी आज। और इधर है प्रसाद और कुछ फल, और इधर जो भी साड़ी वगैरह है और कुछ सुहाग का सामान है। आज मेरा एक वीडियो भी आने वाला है, बस अब पूजा हो गई है, सबसे पहले नीचे जाके वही काम करना है, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना है। पता है पहले क्या होता था, जैसे कोई भी व्रत होता था, स्पेशली जो करवा चौथ का व्रत होता था, तो इस दिन में कुछ खाते पीते हैं नहीं ऐसा, तो दिन पूरा लंबा होता था। सुबह के टाइम हमारी यहाँ पूजा हो जाती है 11-12 बजे लगभग फ्री हो जाती है,
पूरा दिन उसके बाद ना काटना बहुत भारी हो जाता था, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ काम करने को होता नहीं था। वो तो व्रत है और वो भी करवा चौथ का व्रत है, तो ऐसा कोई खास काम हम लोग फैलाते भी नहीं थे। और जब से अब YouTube स्टार्ट किया है तो पता है दिन का ना पता ही नहीं चलता, कैसे सारा दिन निकल जाता है। पर अच्छा लगता है कि एटलीस्ट अपने टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। ऊपर आई ना, मैंने सबसे पहले मौसम ही देखा, कहीं बादल तो नहीं है आज, क्योंकि पीछे कई दिन से मौसम बहुत खराब रहा। तो मैंने कहा बादल नहीं हुए तो ये एटलीस्ट चांद के दर्शन तो हो जाएंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा पे तो बिल्कुल हम लोग 2-2.5 बजे तक जगे हैं रात को, और बार बार देखते रहे, हो सकता है निकल जाए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए खीर को बाहर रख दें। और फिर मैंने तो थोड़ी सी खीर बस यहीं बाहर छोड़ी थी, बाकी तो फ्रिज में ही रख दी। और इतना बाहर पानी पानी हो रखा था पूरा, मतलब पूरी रात झमाझम बारिश होती रही। और 2 बजे के बाद फिर हम लोग 2:30 बज गए थे हमें सोते सोते, 8:12 का टाइम है चांद के निकलने का। पर भाई करवा चौथ का चांद आज तक कभी भी टाइम पर नहीं निकला, कैसे भी तरीके की भविष्यवाणी हो, कोई भी वेदर फोरकास्ट हो रखा हो, सब फेल हो जाते हैं भाई आज की रात। तो पैरों की मेहंदी दिखाऊं आप लोगों को, तो देखिए ये भी अच्छी काली हो रखी है, यूजुअली होती नहीं है पैरों पे मेरे। और पायल, और ना ये देखिए हाथों की मेहंदी मेरी खूब काली हो गई है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। लोग पता नहीं विक्स लगाते हैं, लौंग की भाप लगाते हैं, तेल लगाते हैं सरसों का, नारियल का, मैंने कुछ भी नहीं लगाया और अपने आप ही इतनी काली हो गई। आजकल ना हाथ में लेके वीडियोस बना रही हूँ मैं, मेरा जो ट्राईपोड है उसका जो मोबाइल होल्डर है वो टूट गया है, तो या तो किसी और को हैंड ओवर करना पड़ता है कैमरा, या फिर इस तरीके से खुद हाथ में पकड़ना पड़ता है। अब लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, सबसे पहले कपड़े बदलती हूँ, सूट डालती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये सारा मेकअप का सामान ऐसे ही छोड़ गई थी मैं, अभी पूजा करने गई, और ना ये एक सूट और इन्होंने मंगा के रखा हुआ है, रखा नहीं हुआ है, अभी आया है, मतलब ऑर्डर किया हुआ था अमेज़न से है ना जी? हाँ अमेज़न से है, अभी आज ही देखे गया है वो डिलीवरी। कलर बहुत प्यारा, इन्होंने खुद से ही अपने आप ही, मतलब ना मेरे ऑर्डर हिस्ट्री देख ली कौन सा साइज़ में ऑर्डर करती हूँ, बहुत प्यारा लगा, थैंक यू जी, वेलकम। और ये ऐसे यहाँ पे सिल्क में है कपड़ा, इसका अस्तर वगैरह नहीं है, बट कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पे भी लेस लगी हुई है बाजू पे भी, और सामने जो इसका फ्रंट है ना वो डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा, और अपना कलर बहुत प्यारा, ये कलर है ही नहीं मेरे पास, इतने सूट हैं ये कलर है ही नहीं मेरे पास। और इसका नीचे है ये प्लाजो, हाँ प्लाजो ही है, पैंट सोच रही थी मैं, प्लाजो है, प्लाजो भी अच्छा खासा है, और नीचे भी सेम वही लेस लगी हुई है। और ये है इसका दुपट्टा मैचिंग गोल्डन, नहीं अच्छा है, तो अब मैं सोच रही हूँ यही वाला डाल लूँ, क्योंकि वो जो दोनों लाई हूँ ना बहुत थोड़े से मोटे कपड़े के हैं, सिल्क वगैरह में नहीं, एक तो कॉटन का है वैसे घेर वाला है जो, पर अब ये आ गया तो अब ये सोच रही हूँ ये वाला डाल लूँ आई लाइक दैट, ठीक है, है ना, हल्का है कपड़ा भी इसका। अब ये वाला डाल लेती हूँ, क्योंकि भाई काम भी करना है, खाना की भी तैयारी करनी है शाम की, अभी तो खैर बहुत टाइम है, अभी मेरे को डालना है अपना एक वीडियो अपलोड करना है, उस पर काम करूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसा है सूट का लुक, अच्छा लग रहा है, कपड़ा मुझे ना बहुत अच्छा लगा, इसका सूटिंग है और फिटिंग अच्छी है इसकी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा लूज ही है, और ऐसे ही मैं पहनती हूँ, और कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इसका, और दुपट्टे का कलर भी प्यारा है, और ये दुपट्टा तो ऐसा है इसका कलर कि और जो सूट्स हैं या कुर्तीज हैं उनके साथ भी अच्छा लगेगा। करवा चौथ से दिवाली के सिर्फ 10 दिन बचते हैं, अब घर को धीरे धीरे सजाने का काम शुरू हो चुका है, आज भी वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद मैंने ना थोड़ी बहुत कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं, और बाहर का जो मेरा एरिया है बरामदा, वहाँ पर थोड़े से आइटम्स मैंने नए ऐड किए हैं, पुराने यहाँ से हटा दिए, तो इस तरीके से ना थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करने से ही किसी भी एक जगह का लुक ना बिल्कुल चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और अब तो दिवाली के लिए डेकोरेशन का काम चल रहा है, तो उसमें तो चाहे फ्लावर्स हों या फिर कैंडल्स हों या फिर दिया हो, किसी भी तरीके की लाइट्स हो, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आज वैसे तो करवा चौथ है तो मुझे लगा क्यों ना आज से ही शुरुआत कर दी जाए, तो मैंने ये वाला जो मेरी टेबल है इसको थोड़ा सा इसका लुक चेंज किया, और
कुछ चीज़ें जैसे ये फ्रेम है या कैंडल होल्डर्स है, उरुली है मेरी नई वाली, इसमें कैंडल्स वगैरह मैंने जलाई और ना एक अलग तरीके का ही माहौल घर में हो जाता है। देखिए त्यौहार तो हम सभी मनाते हैं और घर भी अपनी साफ सफाई करते हैं, लेकिन करवा चौथ के टाइम पे अगर या कोई और भी फेस्टिवल हो, अगर हम ये थोड़े से चेंजेस अपने घर में ले आएँ तो एक अलग तरीके की एनर्जी, एक अलग तरीके का माहौल हो जाता है। और ख़ास तौर से हमारा तो फास्ट है, हमें पता है आज फेस्टिवल है, लेकिन जिनका नहीं है यानी कि बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनको भी एक लगता है एक स्पेशल एनवायरनमेंट घर में फील होता है और लगता है हाँ सच में आज कोई त्यौहार है। और यहाँ कलश में ना मैंने राइस लाइट्स डाली हुई हैं, ऊपर से ऐसे फ्लावर से मैंने उसे ढक दिया है, और एक बड़े वाले कलश में मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिया है, और यहाँ पे जो मैंने बर्नी सेट को डेकोरेट किया था वो यहाँ पर रख दिया है। बस इस तरीके से ही अब मेरा कह सकते हैं डेकोरेशन का काम शुरू हो गया, क्योंकि साफ़ सफ़ाई सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे आज ये बाहर का एरिया मेरा डेकोरेट हो गया है, इसी तरीके से घर के बाकी हिस्सों को भी अब सजाने का काम शुरू हो जाएगा। और ये मेरी एक क्रॉकरी यूनिट है, अभी इसमें थोड़ा अंदर की सेटिंग मुझे चेंज करनी है, जो बर्तन या क्रॉकरी मैंने रखी हुई है, क्योंकि क्या है त्योहारों पे बार बार बर्तन निकलते रहे तो अंदर थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया, ऊपर उसके मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक दिवाली का त्यौहार पूरे 5 दिन चलता है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पर जो हमारा शेड्यूल होता है कह सकते हैं एकदम पैक्ड चलता है, क्योंकि लास्ट मिनट कुछ डेकोरेशंस होती हैं, उसके अलावा जो पूजा पाठ करना होता है, अपने रिचुअल्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस तरीके की कुछ तैयारियां एडवांस में करके रखें, ताकि जब त्यौहार हो उसको हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। और देखिए त्यौहार तो बने ही इसलिए हैं कि हम उस समय को अपने परिवार के साथ बिता सकें, एक क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर सकें अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, या फिर जो गेस्ट बाहर से आए उनको भी हम अच्छे से अटेंड कर सकें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम एडवांस में अपने सारे काम करके चलते हैं ना, तो हम चीज़ों को और त्योहारों को एंजॉय कर पाते हैं। चांद निकल गया इस टाइम से, हम थोड़ा लेट हो गए 10-15 मिनट, कह रहे हैं 8 बजे से निकला हुआ है आज, 8-10 से निकला हुआ है। ये है हमारे पीछे चांद, ये देख लीजिए, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। आतिशबाजी शुरू हो गई है, ये सामने है चांद। और सच में ना 8 बजे से ही लगभग आवाज़ आ रही थी पटाखों की, नहीं 8:12 का टाइम था इस बार। चलो, हाँ जी चलो। ये हमारा दिया जल रहा है, क्योंकि इधर रखी है हमारी तुलसी रानी, लाइन में है चारों। ये थोड़ी सी हल्की है, कमज़ोर है, और इधर बाकी अलग, ये तीनों लाइन में। दिया ना मैं थोड़ा दूर इसलिए लगाती हूँ, तुलसी ना पहले मेरी कई बार ख़राब हो जाती है ज़्यादा नज़दीक रखने से, बहुत सेंसिटिव पौधा होता है तुलसी का, तो मैं थोड़ा सा इधर दूर रख देती हूँ। और वैसे भी ना बाकी के जो प्लांटर्स हैं सारे प्लास्टिक के हैं, तो मैं थोड़ा दूर ही रखती हूँ। तो भाई अब मैं आ गई हूँ किचन में, खाना मैं बना के गई थी, बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया है, आलू गोभी की सब्जी है, बच्चों को वही ज्यादा पसंद आती है पूरी के साथ, पूरी अभी बनाऊंगी गरम गरम, पहले से बना के रखने का कोई फायदा नहीं था। रायता है और मीठा कुछ भी नहीं बनाया मीठा घर में, क्योंकि बेसन के लड्डू रखे हैं, पतीसा रखा है, और क्या रखा है महक, रसगुल्ले, रसगुल्ले रखे हैं, और एक आइटम और है, 3-4 तरीके की मिठाइयां घर में रखी हैं, तो मीठा बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तो बस अब मुझे पूरियां बनानी है, सैलेड वगैरह महक ने कट कर दी, आटा पूरी का मैं लगा के गई थी ऊपर जल देने जब गई थी, उसके बाद आके थोड़ा बहुत कुछ फोटो सेशन ऊपर किया, कुछ आके नीचे किया,
और अब खाना बनाते हैं। वीडियो को भी यहीं पर अब एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।